नमस्ते प्यारे दोस्तों, तथा आज मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट रख रहा हूँ। ये जो बच्चा है, यह थैलेसीमिया से ग्रस्त है तथा इसको हर 15 दिन के बाद खून नया लगाया जाता है, क्योंकि जो सिस्टम है खून बनाने वाला, वो उसमें डिफेक्ट है। ये इनके पिताजी हैं, देवकी नंदन जी, तथा ये आज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप डोनेशन दे सकते हो तो आप इसके लिए डोनेशन दे सकते हो। इसके ऑपरेशन जो सक्सेसफुल होगा, उसकी कॉस्ट 16 लाख के करीब है, जो कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में होगा। यही होगा। हाँ जी। ये कब होगा इसका ऑपरेशन? इसका ऑपरेशन जनवरी में होगा, दिसंबर में एडमिट करेंगे इसको। ये दिसंबर, इस दिसंबर 2011 को एडमिट करेंगे, ऑपरेशन होगा जनवरी में। तो लगभग एक महीना हमारे पास है। तो आप सभी जो माता पिता हो या कुछ भी हो, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे इसके लिए। मेरा लड़का, ये मैं देवकी नंदन, मेरा लड़का चक्षु सिंधी जो कि 9 साल का है, इसको 15 दिन के बाद खून चुराना पड़ता है। ये थैलेसीमिया मेजर का मरीज है, जिसका इलाज लुधियाना में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों ने इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कहा है, जिसका खर्चा 16 लाख रुपए उन्होंने बताया है। मैं ये खर्चा करने में असमर्थ हूँ, मैं घर पे अकेला कमाने वाला हूँ और मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप लोगों से अपील है कि जितनी भी ज़्यादा सहायता मेरी करें, मैं इस लड़के का ऑपरेशन करवा सकूँ। धन्यवाद। आपने ये बात कही कि कुछ प्रधानमंत्री से भी आपको कुछ मिला है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल दें। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में से मेरे को 3 लाख रुपए मिला है। प्रधानमंत्री जी ने मेरे लुधियाना में लड़के के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। लेटर मेरे पास भारत सरकार का आ गया है। इसके अलावा किसी और संस्था ने भी सहयोग दिया है? इसके अलावा मेरे को ऑल इंडिया लोक भलाई के ट्रस्ट जगदीश कुमार जग्गा जी ने 1 लाख रुपए का चेक दिया है, सीएमसी के नाम से काट के। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं आगे आ गई हैं। आप भी इस महान सोशल वर्क में सहयोग दें। ओ